हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं वाटरप्रूफ बेबी बेडशीट बनाकर दिखाऊंगी। अगर आपके घर पर छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु है, तो उसके लिए आप ये वीडियो जरूर देखना। तो कैसे आसानी से घर पर आप वाटरप्रूफ बेडशीट बना सकते हैं, मैं आज वही बताऊँगी। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊँगी कैसे स्टिचिंग करना है और इसके अंदर मैंने क्या डाला है जिससे ये वाटरप्रूफ हुआ। सारी डिटेल्स में भी बताऊँगी। तो गाइस, आइए शुरू करते हैं मेरी आज की वीडियो। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैंने एक कपड़े लिया, तो मैं आपको सब कुछ बिछा के दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट जो मैं लूँगी तो ये वाला कपड़ा है, ये मैंने टू फोल्ड किया। तो देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये वाला पीस, अगर आपके पास छोटे छोटे टुकड़े हैं तो ऐसे दो पीस लेना। तो गाइस, यहाँ पर मेरा हमारे पास बड़े वाले कपड़े थे, इसीलिए इसको टू फोल्ड कर दिया। और इसका जो लेंथ मैंने लिया 25 इंच, चौड़ाई मैंने लिया 18 इंच। तो इसके ऊपर टू फोल्ड करके उसके ऊपर ये वाला मैंने मैट सीट दिया, उसके ऊपर ये वाला कपड़े दूंगी। आपके पास जो भी कपड़े अवेलेबल है आप उसी से करना है। ये भी मैंने टू फोल्ड किया। अगर आपके पास छोटे छोटे टुकड़े हैं तो दो पीस नीचे देना, उसके ऊपर एक सीट देना और एक उसके ऊपर और दो पीस कपड़े देना। इसको देकर ऐसे पिन से अटैच कर दूंगी दोनों साइड पे। आप चाहे तो चारी और पिन से अटैच कर सकते हैं, उसके बाद ही स्टिच करना। तो मैं स्टिच करूँगी तीन साइड, एक ए साइड खुला रखूँगी, मैं थ्री साइड स्टिच करूँगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ स्टिच करके। तो गाइस देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं तीनों साइड स्टिच किया। तो गाइस यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ और यहाँ तक मैंने ये वाला हिस्सा छोड़ दिया, ये वाला पोर्शन मैंने स्टिच नहीं किया, इसको खुला रखना है। अगर हम स्टिच कर लेंगे तो बीच में जो स्टिच लगेंगे उससे हमारी जो बेडशीट है फूल जाएंगे, अच्छे नहीं होंगे, इसलिए मैंने एक पार्ट एक साइड मैंने खुला रखा, ओपन इसलिए रखा। तो अब जो करना है, अब इसके अंदर लाइन ड्रॉ करना है। तो गाइस, लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर ऐसे इंची टेप रखना, सब कुछ दो इंच का गैप रख के चारी ओर ऐसे मार्क कर लेना है। ऐसे करने से बहुत ही आसानी होगा अपनी स्टिचिंग लाइन करने पर। तो यहाँ से भी 2 इंच, फिर 4 इंच, फिर 6 इंच पर मार्क करना है, फिर 8 इंच, फिर 10 इंच, ऐसे 2 इंच गैप रखते हुए ऐसे मार्क करना है। तो फिर गई जैस को स्केल को ऐसे रखते हुए ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आपको लाइन ड्रॉ करना है, एक के ऊपर एक, जहाँ पर मैंने 2 इंच गैप वाला मार्क किया था उसके ऊपर रख के ऐसे स्टिच करना है। और गाइस, उस साइड पे ऐसे 2 इंच, देखिए 2 इंच करके मैंने मार्क कर दिया, 2 इंच गैप रखते हुए, और सारे लाइन को मैंने ड्रॉ कर लिया। तो देखिए, सारे लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। अब जो करना है, इस लाइन के ऊपर स्टिच करना है। जब जितना मैंने लाइन ड्रॉ किया उतना ही स्टिच करना है। तो गाइस देखिए, मैंने ऐसे स्टिच कर दिया, जैसे मैंने लाइन ड्रॉ किया था वैसे ही मैंने स्टिच कर दिया। तो गाइस, अब क्या करना है आप देखिए, मैं आपको बता देती हूँ अब क्या करना है। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं यहाँ से, देखिए ये वाला लाइन मैं इस साइड से आपको दिखा देती हूँ, आसानी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट, एक लाइन ड्रॉ करके मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक, फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ से ऐसे ऐसे करके, देखिए आप ध्यान से देखिए मैं कहाँ से कितना लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। आप देखिए, एक के ऊपर देखिए, इस साइड का एक लाइन मैंने लिया और उस साइड का एक लाइन मैंने लिया, उसके ऊपर स्केल रख के अटैच कर देंगे। ऐसे ही करके फिर सारी ओर ड्रॉ कर लेना है। वाटर जो बेबी बेडशीट मैंने बनाया है उसके ऊपर ऐसे ड्रॉ कर लेना है, फिर जो मैंने अभी ड्राइंग लाइन ड्रॉ कर रही हूँ उसको स्टिच करना है। ऐसे देखिए, ये वाला लाइन से स्केल रख के उस साइड पे लाइन पे जाके ऐसे मार्क को अटैच कर देना है।
तो गाइस देखिए मैंने सारे लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इसके ऊपर स्टिच करना है, देखिए ए वाला हिस्सा है। अब ए वाला लाइन ड्रॉ जो मैंने ड्रॉ किया अब स्टिच करना है, साड़ी हम स्टिच कर लेंगे। तो गाइस देखिए मैंने सारी लाइन ड्रॉ कर लिया था, वो सारी स्टिच कर दिया, कितने ब्यूटीफुल लग रही है। अब मैं चारी और पट्टी लगाऊंगी, जो भी एक्स्ट्रा जो सीट का ऊपर जो भी एक्स्ट्रा कपड़े थे बचे हुए चारी और, वो मैंने कटिंग करके शेप दे दिया। अब ए वाला पट्टी के मैंने लिया, जो पट्टी का चौड़ाई है 3.5 इंच मैंने चौड़ाई लिया, इसके ऊपर ऐसे रख के एक स्टिच करना है। तो इस साइड पे फिर एक रख के स्टिच करना है ये वाला साइड पे। तो आपको जो भी जितना पहले आप दोनों साइड स्टिच करना, आप चाहे तो जो लेंथ वाला साइड है वो स्टिच करना है या जो चौड़ाई वाला साइड है वो स्टिच करना है, लेकिन आपको दोनों साइड पहले पट्टी लगाना है, उसके बाद ही फिर और जो दो छोड़ा है तो वो स्टिच करना है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं पट्टी को स्टिच कर रही हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे स्टिच करना है। देखिए फिर इसको फोल्ड करते हुए सीधे की तरफ ले जाना है। मैं ये पट्टी सीधा नहीं रखा, जो मैंने पिंक कलर का लिया था वो मेरी सीधे के साइड होगा, तो इसीलिए इसके ऊपर इस साइड सीधे की साइड लेके आइए। फिर ऐसे फोल्ड करके फिर एक स्टिच लगाना है। तो गाइस देखिए दोनों साइड मैंने स्टिच कर दिया, जो पट्टी लगाया था दोनों साइड मैंने पट्टी ऐड कर दिया। अब जो है देखिए ए वाला साइड उसके बाद मैंने अटैच किया, ए वाला साइड अब स्टिच करूँगी, जो भी एक्स्ट्रा है वो काट के अब ए वाला पट्टी इसके साइड पे स्टिच होगा, जैसे मैंने किया था वैसे ही स्टिच करना है। तो गाइस देखिए मेरी वाटरप्रूफ बेबी बेडशीट बिल्कुल तैयार है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।